महाराष्ट्र के ओल्ड नासिक के अस्पताल में दर्दनाक हादसा, ऑक्सीजन लीक होने से 22 मरीजों की मौत। मरीजों की मौत से पूरे इलाके में हड़कंप, अस्पताल में बदहवास दिखे परिजन। अस्पताल में भर्ती थे कुल 23 मरीज, ऑक्सीजन लीक होने से नहीं मिल सकी ऑक्सीजन। मरने वालों में 11 पुरुष 11 महिलाएं। नासिक हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, कहा दिल दहला देने वाला हादसा, परिजनों के प्रति संवेदना। अमित शाह ने भी नासिक हादसे पर जताया दुख, कहा पीड़ित परिवारों को ईश्वर दे शक्ति। नासिक हादसे पर उद्धव सरकार, सख्त हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश। नासिक हादसे पर गरमाई सियासत, पूर्व सीएम फडणवीस ने कहा लापरवाही करने वालों के खिलाफ हो कार्रवाई। इसकी एक बहुत ही डिटेल्ड इंक्वायरी भी की जाए, ऐसी हमारी मांग है। अभी के समय तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि जिनकी मृत्यु हुई है उनके घर वालों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। बीजेपी नेता किरीट सुमैया ने उद्धव सरकार पर निशाना साधा, कहा यह हादसा नहीं हत्या है। महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री का बयान, नासिक की घटना दुखद, दोषियों पर होगी कार्रवाई। दिल्ली के पटपड़गंज मैक्स अस्पताल ने किया ऑक्सीजन को लेकर हाईकोर्ट का रुख, 1400 मरीज भर्ती, कुछ घंटे की बची है ऑक्सीजन। हाईकोर्ट ने दिया दिल्ली के 6 अस्पतालों को ऑक्सीजन देने का आदेश, दिल्ली के मैक्स अस्पताल का आरोप, उन्हें भेजे जाने वाले ऑक्सीजन टैंकर को एम्स भेजा गया। ऑक्सीजन की मांग के बाद केंद्र सरकार ने तेज की दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई, केजरीवाल ने दिया धन्यवाद। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने लगाया दिल्ली का कोटा घटाने का आरोप, ज्यादा ऑक्सीजन देने की मांग की। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने भी लिखा पीएम मोदी को खत, ऑक्सीजन देने की मांग की। यूपी में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 24 घंटे में 33,000 से ज्यादा केस। कोरोना से मरने वालों का भी बढ़ा आंकड़ा, एक दिन में 187 लोगों ने गंवाई जान। लखनऊ में सबसे ज्यादा कोरोना का कहर, करीब 6,000 नए केस, 21 लोगों की मौत। वाराणसी में 2,500 से ज्यादा नए केस, कानपुर में आंकड़ा पहुंचा 2,000 के करीब। तोड़े सारे रिकॉर्ड, एक दिन में 2,95,000 से ज्यादा नए केस, 24 घंटे में 2,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान, अब तक 1,82,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। एक दिन में 29 लाख से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन, अब तक 13 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 67 से ज्यादा नए केस, 568 मरीजों की मौत। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,684 नए केस, 62 मरीजों की मौत। कोरोना के इंतजामों को लेकर विपक्ष का हल्ला बोल, राहुल गांधी की नोटबंदी के हालातों से तुलना। प्रियंका वाड्रा का सरकार पर हमला, कहा आईएसआई की तरह बर्ताव कर रही है सरकार। महाराष्ट्र सरकार का दावा, राज्य में रेमडेसिविर की कमी नहीं। कोरोना को लेकर योगी सरकार की समीक्षा बैठक, अलग अलग शहरों के हालातों पर चर्चा। लखनऊ में ऑक्सीजन को लेकर घमासान, सिलेंडर के लिए दिखी लंबी कतार। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, हालात पर काबू पाने के लिए तैयारियां तेज। बेड की कमी दूर करने के लिए रेलवे और डीआरडीओ की ली जा रही है मदद, सरकार ने जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा 88% ऑक्सीजन अस्पताल के लिए राज्यों को हो रही है आपूर्ति। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना मृत्यु दर हुई कम, 308 जिलों में महामारी पर नियंत्रण। वैक्सीन निर्माता अपने 50% डोज भारत सरकार को उपलब्ध कराएंगे, सरकार ने जानकारी दी। महामारी के बीच डॉक्टर्स ने दी अपनी राय, गुलेरिया बोले सबके लिए जरूरी नहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन, त्रिहान बोले रामबाण नहीं रेमडेसिविर। डॉक्टर देवी शेट्टी का बयान, जरूरी हो तभी अस्पताल का करें रुख।
पटना एम्स में कोरोना विस्फोट, अब तक 384 डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ कोरोना संक्रमित। कोरोना के चलते बिहार पंचायत चुनाव टले, 15 दिनों के बाद फिर से स्थिति की समीक्षा। आईसीएमआर की स्टडी में दावा, कोवैक्सीन कोरोना के डबल म्यूटेंट स्ट्रेन पर भी असरदार। यूपी के बाद मध्य प्रदेश में 1 मई से 18 से ऊपर वालों को वैक्सीन फ्री लगेगी, शिवराज सरकार का फैसला। छत्तीसगढ़ में 18 साल से ऊपर के लोगों को मुफ्त में लगेगी वैक्सीन, बिहार सरकार ने भी किया मुफ्त वैक्सीन देने का ऐलान। कोवैक्सीन पर तीसरे चरण के अंतरिम नतीजे घोषित, कोरोना के खिलाफ 78% प्रभावी। कोरोना के चलते अगले आदेश तक सुप्रीम कोर्ट बंद, केवल तत्काल मामलों की सुनवाई होगी। रेमडेसिविर एपीआई और इंजेक्शन के आयात पर इंपोर्ट फीस 31 अक्टूबर तक हटाई गई, पीयूष गोयल का ऐलान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कोरोना पॉजिटिव, होम आइसोलेशन में गए। कांग्रेस नेता शशि थरूर और अधीर रंजन चौधरी कोरोना संक्रमित, टीएमसी नेता मदन मित्रा को सांस में तकलीफ की शिकायत। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना की एंट्री, करीब 15 जज संक्रमित। तिहाड़ में बंद बाहुबली शहाबुद्दीन कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल में भर्ती कराया गया। एमएस धोनी के माता पिता कोरोना पॉजिटिव, रांची के अस्पताल में भर्ती किया गया। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,716 नए केस, 3,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। केरल में 22,000 से ज्यादा नए केस, 24 घंटे में 22 लोगों ने दम तोड़ा। मध्य प्रदेश में सामने आए कोरोना के 12,727 नए मामले, 77 की मौत। तमिलनाडु में सामने आए कोरोना के करीब 11,000 नए मामले, 48 की मौत। नागपुर में 7,229 नए केस, 24 घंटे में 98 लोगों की मृत्यु। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के 4,807 नए केस, 34 लोगों की मौत। हिमाचल में कोरोना के 823 नए मामले, 13 की मौत। जम्मू कश्मीर में एक दिन में 2200 से ज्यादा नए केस, अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। मध्य प्रदेश के दामोह में ऑक्सीजन को लेकर मची लूट, हालात हुए बेकाबू। कोविड प्रकोप के चलते केदारनाथ में 10 लाख बुकिंग्स रद्द, यात्रियों ने बदला इरादा। दिल्ली पुलिस का बड़ा फैसला, 58 साल के से ज्यादा उम्र के पुलिसकर्मी की फील्ड पर नहीं होगी तैनाती। कोरोना से लड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की खास तैयारी, पुलिसकर्मियों के परिवार के लिए 3 कोविड सेंटर्स बनाएगी पुलिस। जापान में कोरोना का कहर, पीएम योशिहिदे सुगा ने भारत दौरा रद्द किया। गोवा में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान, कैसीनो, रेस्टोरेंट, बार और सिनेमा हॉल को 50% लोगों की एंट्री की इजाजत। गोवा ने कोरोना की वजह से 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा स्थगित की, महाराष्ट्र सरकार ने किया 10वीं की परीक्षा रद्द करने का फैसला। अमेरिका के कोलंबस में पुलिस की गोली से एक अश्वेत लड़की की मौत, लोगों का प्रदर्शन। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा, चीन के विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का राष्ट्र के नाम संबोधन, राष्ट्रपति पुतिन ने देश में वैक्सीनेशन मुहिम की तारीफ की। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में कोरोना का कहर, प्रधानमंत्री चान ओचा ने बैंकॉक में कोविड अस्पताल का दौरा किया। दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 30,60,000 के पार, संक्रमितों की संख्या 14,36,00,000 से ज्यादा। संयुक्त राष्ट्र में भारत को 3 अहम आर्थिक और सामाजिक समितियों में बनाया गया सदस्य, कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुए आत्मघाती हमले में 7 लोग घायल, 1 की हालत गंभीर। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी, मारे गए प्रदर्शनकारियों की याद में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। सीरिया के सरकारी सुरक्षा बलों और कुर्द सुरक्षा बलों की झड़प में कुर्द सुरक्षा अधिकारी की मौत।
यूरोपियन सुपर लीग से अलग फुटबॉल क्लब बनाने को लेकर लंदन की सड़कों पर उतरे सैकड़ों फुटबॉल प्रशंसक।